आइए तपोजीत बाबू, नमस्कार। वेयर यू लोकेटेड? हेलो सर, मैं करीमगंज आसाम से हूँ। असम से? अच्छा थोड़ा सा सर, जोर से मैंने बोलिए। अरे अरे वाह वाह, थोड़ा सा जोर से सर, बोलिए, साउंड। हाँ ये ठीक है, अभी पास सुनाई में। दे रहा है सर? हाँ अब क्लियर हो हाँ गया। हाँ सर, मेरा एक एक सब अच्छा लगा सर आज देख के कि ममता जी ने ये जो भी किया है। सर मेरा आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर ओडिशा गवर्नमेंट से आपको क्या मतलब आपका एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले जब नेहरू जी का जन्मदिन गया था तब मैंने देखा कि उन्होंने विश किया था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो मुझे ये बात कुछ अलग लगी कि सभी नहीं करते है ऐसा। आपको ओडिशा के गवर्नमेंट से क्या मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन है पर्सनली सर? उड़ीसा से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मेरा मतलब एक्सपेक्टेशन मेरे को ज़्यादा नहीं है। मुझे वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आज तक मिला नहीं। इंडिविजुअली लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने पहले भी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नवीन बाबू जी के पिताजी के बहुत अच्छे संबंध हैं पंडित जी के साथ में, और दे कुड हैव टेकन अप रसगुल्ला के नाम पे, उन्होंने उसको बंगाल से उन्होंने छीना है। तो नेताजी तो कटक के वहीं वहीं के पैदा हुए हैं, तो उन्होंने कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि जहाँ दीदी ने आज ये स्टेटमेंट दिया, मेरे ख्याल से कल उड़ीसा को बोलना चाहिए कि यस ये डिक्लेयर होना चाहिए नेशनल हॉलीडे। लेकिन मुझे पता नहीं वो करेंगे ना करें, लेकिन है कि अगर तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो उड़ीसा को फॉलो करना चाहिए टुमारो मॉर्निंग, इवन द नॉर्थ ईस्ट लेकिन वो स्टेट्स एज करेंगे वेल, नहीं। हाँ आई विल बी वेरी सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज होगा अगर वो करते हैं तो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी करना चाहिए हाँ वो बाकी तो के। झारखंड कर सकता है, झारखंड ने ऑलरेडी छुट्टी डिक्लेयर कर दी। तो अगर दो स्टेट स्टार्ट करते हैं उसके बाद में फिर तीन चार और लोग आ जाए, तो मैंने कहा अगर तीन चार चीफ तमिलनाडु। मिनिस्टर बोल दे, हाँ तो इट विल बिकम ए नेशनल डिमांड, एंड देन इट बी डिफिकल्ट फॉर पीएम टू इग्नोर इट। फिर ये बीजेपी वाले घिर जाएंगे ना। अभी तो ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं इसको टीएमसी वर्सेज, बिकॉज वो डिबेट को भी घुमा रहे हैं, टीएमसी वर्सेज वो बना रहे हैं। इट्स ए नेशनल डिमांड, इसमें टीएमसी की बात क्या आ रही है? सर अगर एक कल और को बात दीदी बोलना शुरू कि आपने भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो पॉलिटिकल कॉर्नर से लगाई थी, तो ये तो शर्म वाली बात हो जाएगी ना। वो तो हर चीज पॉलिटिक्स है, तो देर इज नो एंड टू इट। दिस पॉलिटिक्स एवरीवेयर, एवरी एक्शन, एवरी स्टेप द गवर्नमेंट टेक्स हैज अ पॉलिटिकल कंसिडरेशन बिहाइंड इट।